नमस्कार, एवन न्यूज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, अब तक 91 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो वहीं 4,74,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, तो वहीं 49 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी, अब तक 4,40,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, तो वहीं 14,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 15,431। कोरोना के बीच पुरी में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा शुरू, 500 लोगों को ही रथ खींचने की अनुमति। पीएम मोदी, गृहमंत्री और सीएम गहलोत ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। तीन दिवसीय मॉस्को दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रूस के रक्षा मंत्री के साथ आज होगी बैठक, तो वहीं 24 जून को 75वीं विक्ट्री डे परेड समारोह में करेंगे शिरकत। दिल्ली में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी, देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर हो रही है चर्चा, चीन विवाद, महंगाई और कोरोना जैसे मुद्दों पर भी बात।